मुझे ये बता कि देश राज दरबार में देश देशांतर के राजा दिखाई दे रहे हैं और मेरे आने से पूर्व इन राजाओं में ये छेड़छाड़ क्यों हो रहा था, ये आपस में लड़ झगड़ क्यों हो रहे थे, इसका उत्तर मुझे दे झनक, इसका उत्तर मुझे दे। समाचार कहीं जनक सुनाए यही कारण मही पर सब आए। आप हमारे जनकपुरी में जो देख रहे हैं देश देशांतर के राजागण हमारी जनकपुरी में एकत्रित हुए हैं तो है ना, उसका कारण यह है कि मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। कैसा स्वयंवर जनक बतला रहे हैं ना, स्वयंवर में मैंने यह शर्त रखी थी कि आपके द्वारा जो चंदेश्वरी पिनाक मुझे प्रदत्त किया गया था उस पिनाक का जो भी राजा खंडन करेगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ संपन्न करूंगा। मेरे क्या कह रहे हो मूर्ख, हाँ नाथ, और मैसी प्रण को करके देशांतर के राजा का आगमन हमारी जनकपुरी में है। मूर्ख जनक, तुझे धनुष को कथा कि तू एक महात्मा राजा और मेरे गुरु धनुष का पूजन करके उस भरी भाज अपने राजमहल में रखेगा, परंतु मेरा ये दुस्साहस कि तुमने मेरे गुरु के धनुष पर अपना चढ़ा, परंतु ये बताओ कहीं उसका हम क्या हुआ? अपना परिचय नहीं दिए इसलिए आप इनका परिचय दिए। हरे राम लखन दशरथ के ढोना दीन सीता की मल जोता। अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के बड़े पुत्र सांवले राम और भोले लक्ष्मण जी अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांबर होए, दशरथ के रण पाखुरे समर न जीते कोई। ये राजा के लड़कों तुम दोनों मेरे इस धरसे से अजर अमर हो जाओ और तुमसे कोई भी संग्राम में विजय प्राप्त ना करे। राम ही जीते रहे थक लोचन रूप अपार।